दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एंड फिगर में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने वाले 7 उपायों के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान है। तमाम बैंकों से लोन लेने के लिए फ़ोन आते रहते हैं। सुख सुविधा बढ़ाने के लिए इंसान लोन ले भी लेता है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इंसान लोन ले भी लेता है, लेकिन लोन लेने से पहले हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसे वापस कैसे करेगा। कई बार कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है। कई बार ऐसी परेशानियाँ भी सामने आ जाती हैं कि इन कर्जों को चुकाने में हालत ख़राब हो जाती है। इस कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव भी होने लगता है। दोस्तों इसी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन पर अमल करने से कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों पहला उपाय है, मंगलवार को शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध एवं जल से अभिषेक करें और मसूर की दाल अर्पित करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर ऋण मुक्तेश्वर मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाने से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मन शांत रहता है। दोस्तों तीसरा उपाय, रात्रि में अपने सिरहाने एक बर्तन में जौ भरकर रख दें। सुबह उठकर स्नान आदि करके जौ को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधी समस्याओं का अंत होने लगता है। कर्ज से मुक्ति के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों चौथा उपाय, बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। पांचवा उपाय, बंदरों को गुड़ चना और केला, गाय को रोटी, मछलियों को आटे की गोली और पक्षियों को दाना खिलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। छठा उपाय, वास्तु के अनुसार ईशान कोण को साफ और स्वच्छ रखें। ऐसा करने से शीघ्र ही ऋण से मुक्ति मिलती है। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व की दिशा जहां होती है उसे ईशान कोण कहते हैं। सातवां उपाय, ऋण अर्थात गणेश स्रोत का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे 7 उपाय कर्ज से मुक्ति पाने के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।